Shubham Dubey with us. He has cleared his GATE examination and he has got through IIT Delhi, BSNL JTO and Bharatna company, which is your CIL. So let's start our interview with us. Tell us something about yourself, Shubham, and from where have you done your engineering from? Hello friends, jaisa ki ma'am ne bataya, mera naam Shubham Dubey hai. Maine 2016 mein BE kiya tha from कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड इन IIT DAVV कॉलेज इंदौर. ओके सो या मैं 2016 से 17 तक मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब की एज अ सिस्टम इंजीनियर. उसके बाद फिर मैंने 2017 में अपना गेट एग्जाम राइट किया. ओके सो यू प्रिपेयर यू अपीयर्ड इन 2017 गेट एग्जाम. सो व्हाट वाज योर रैंक एंड व्हाट वाज योर स्कोर? सो मैंने गेट एग्जामिनेशन 2017 में ऑल इंडिया रैंक 229 अचीव किया था. उसमें मेरा पेपर जो था गेट का वो शिफ्ट 2 में था. सो मैंने उसमें 67.33 मेरे मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइज होने के बाद 64.61 थे. जो मेरा स्कोर था वो 792 था आउट ऑफ 1000. ओके सो हैव यू अप्लाई टू एन पीएससी उस रिक्रूटमेंट थ्रू गेट? यस, जैसे कि मेरा जो गेट का मेन मोटिव था कि मुझे किसी भी अच्छे महारत्न या नवरत्न पीएसयूज में अपना कैरियर परस्यू करना था. सो मैंने अप्लाई किया था गेट के साथ ही साथ IOCL में मैंने अप्लाई किया था, BSNL जो कि इस बार कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूट कर रहे थे, तो उसमें JTO पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, और ऑल्सो कोल इंडिया लिमिटेड जो कि ऑल्सो महारत्न PSU, उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था. ओके सो व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर गेट? यस, सो मैंने 2016 जुलाई से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और मैं डेली एक्चुअली मैं जॉब में था, तो मैं डेली अपना कुछ टाइम फिक्स होता था मेरा कि मैं उस टाइम फ्री होता था, तो उसी टाइम मैं अपना फुल फोकस्ड के साथ पूरा फुली डिवोट करता था स्टडी के लिए वो टाइम. सो हैव यू टेकन एनी काइंड ऑफ कोचिंग? नो, बिकॉज ऑफ जॉब मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी क्लासरूम कोचिंग में एनरोल कर सकूँ, बट यस मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज थे मेरे पास, तो जिसमें से जब भी मुझे कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे, सबसे पहले मैंने अपने मेरे पास कुछ नोट्स थे, मटेरियल्स थे, उससे गो थ्रू करता था. यदि उसमें कुछ भी डाउट्स या ऐसे कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आती थी, तो मैं बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल थे, हिमांशु सर gatelectures.com के भी अवेलेबल थे, तो उससे मुझे कंसेप्ट की बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाती थी, तो मैंने वही रेफ़र किया और स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र किया. So when should a person basically start with his gate preparations? So जो ideal time होता है वो I think जून और जुलाई से आप start कर देना चाहिए. यदि आप 4 से 5 घंटे daily उसमें devote कर सकते हैं, so आपको जुलाई से start कर देना चाहिए. और otherwise बहुत सारे students ऐसे होते हैं जिनके पास time नहीं होता है, वो September से start करते हैं, और सितंबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 से 4 महीने के रेगुलर और कंसिस्टेंट हार्डवर्क से भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अंडर 100 रैंक्स भी अचीव किए हैं. सो इट इज या बेसिकली. सो हाउ शुड अ पर्सन प्रिपेयर देयर स्केड्यूल? आई मीन व्हिच सेक्शन एंड हाउ शुड दे अटेम्प्ट देम? सो मेरा इसमें ये मानना है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. जैसे कि मेरे केस में ये था कि मेरा एप्टीट्यूड पार्ट अच्छा स्ट्रांग था कुछ, तो मैं अपना हमेशा जो मेरा गेट पेपर था मैं अटेम्प्ट इस तरीके से करता था टेस्ट सीरीज में भी और गेट के एक्चुअल पेपर में भी, कि मैं शुरू के 15-20 मिनट्स केवल एप्टीट्यूड पार्ट को सॉल्व करने के लिए लगाता था, और आफ्टर दैट 20 मिनट्स फिर मैं टेक्निकल सेक्शन में स्विच करता था. बट ये जो है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होना चाहिए. यदि आप टेक्निकल में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ही बूस्ट अप हो जाए, तो आपको टेक्निकल से स्टार्ट करना चाहिए. सो डू यू हैव एनी टॉपिक्स दैट आर मस्ट रीड फॉर द स्टूडेंट्स फॉर गेट प्रिपरेशंस? सो एक्चुअली जो गेट का आपने एनालिसिस जिस तरह से मैंने किया था लास्ट 5 or 4 ईयर्स, उसमें मैंने ये देखा था कि सारे टॉपिक्स से हर टॉपिक से वो जो गेट के एग्जाम सेटर्स होते हैं वो ये करते हैं कि वो सारे टॉपिक कवर कर सकें इन क्वेश्चन पेपर. ओके सो मेरा जो पर्सनली मानना था कि आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए फर्स्ट,
एक बार आपको फर्स्ट टाइम में सारा कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद यस जब आपने एक बार सारा कुछ पढ़ लिया उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि किस वेटेज एनालिसिस कि किस टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं रिसेंट ईयर्स में. सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली फॉर दैट. सो फॉर यू व्हाट वाज द टफ थिंग इन द गेट एग्जामिनेशन? सो जो टफ थिंग होती है वो बेसिकली आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है फॉर द गेट एग्जामिनेशन. मतलब आपको क्वेश्चंस बहुत कई बार सिली क्वेश्चंस होते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ डेटा मिस इंटरप्रेट करके सॉल्व कर देते हैं, उनका आंसर भी मैच कर जाते हैं बट जो वो सही आंसर नहीं होते उनके ऑप्शंस मैच कर जाते हैं. सो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट इन दो थ्री आवर्स कैसे आपको यदि जैसे कि आपके इजी क्वेश्चंस है तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस को ही करना है जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी स्टार्टिंग में बूस्टअप हो जाए. और साथ ही साथ ऐसा कर सकते हैं आप कि शुरू में इजी क्वेश्चंस दो नंबर या वन नंबर वाले करें, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चंस में जाएं. और एक और चीज़ जो प्रिपरेशन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कंसिस्टेंसी. मतलब आपको एक डेली आपको एक टारगेट सेट करना है कि आज मुझे ये टॉपिक्स पूरे ही कवर करने हैं. ठीक है, यदि आप 4 घंटे पढ़े 5 घंटे डजेंट मैटर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, 8-9 घंटे की आपने स्टडी कर ली और जस्ट 2-3 दिन बाद आप इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए कि आपने 2 या 3 घंटे ही पढ़ पाए स्टडी के लिए. सो ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रिपरेशन के टाइम आपको फुली फोकस्ड होना चाहिए. यदि आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो फुली फोकस के साथ आपको स्टडी करना चाहिए उन 4 घंटों. एंड हाउ शुड अ पर्सन प्रिपेयर फॉर देयर इंटरव्यूज इन पीएसयू? तो इंटरव्यूज़ के लिए अलग से आपको कोई भी तैयारी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है. यदि आपको पीएसयूज़ के कॉल आ रहे हैं इंटरव्यूज़ के तो आपका ऑब्वियसली टेक्निकल पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होगा क्योंकि वो गेट में आपका सब कुछ कवर हो जाता है टेक्निकल. हाँ, अब जो इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो होता है कॉन्फिडेंस. आपसे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछेंगे बट आपको उसे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसका आंसर्स करने हैं. और यस, सो कॉन्फिडेंस इज अ की इन इंटरव्यू. Okay, so as we know that you have cleared your CIL also. Yes. So how did you prepare for CIL? Yes. So मेरा जो 2016 गेट एग्जाम 17 गेट एग्जामिनेशन था वो 11th ऑफ फेब को था. ठीक, तो उसके बाद CIL का एग्जाम था 26th मार्च को. सो उस दौरान फ्रॉम 12th ऑफ फेब्रुअरी टू 26th मैंने CIL पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वो उसका एक सेपरेट एग्जाम होता है, तो मैंने सारा कुछ प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग किया. फिर सो यू हैड सम डिफरेंट प्रिपरेशन, स्पेशल प्रिपरेशन फॉर CIL एग्जाम्स? या क्योंकि जो CIL का पैटर्न होता है वो इस तरह से है कि आपको नॉन टेक्निकल भी कवर करना है उसमें. ठीक है, तो आपको नॉन टेक्निकल पार्ट को कवर करने के लिए मैंने ऐसा लिया था, ऐसा किया कि गेट एग्जामिनेशन तक मैंने सारा कुछ टेक्निकल पोर्शन कवर कर लिया था अच्छे तरीके से. उसके बाद मैंने फुली नॉन टेक्निकल में फोकस किया. जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने कुछ न्यूज़पेपर वगैरह स्टडी करता था डेली बेसिस पे, सो करंट अफेयर्स के बहुत से क्वेश्चंस आए उसमें. मेरा एप्टीट्यूड पार्ट थोड़ा स्ट्रांग था शुरू से ही, सो उसमें भी मुझे हेल्प हुई. सो कैन यू इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ CIL? यस, CIL में जो होता है एक ही पेपर होता है रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है. ठीक है, तो जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट जो है वो 100 मार्क्स के होते हैं. सो फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो फुली नॉन टेक्निकल होता है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन 25 क्वेश्चंस होते हैं चारों सेक्शन में और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है, नो विदाउट निगेटिव मार्किंग. ओके, सो जो सेक्शंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं नॉन टेक्निकल में. पहले होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज जनरल स्टडीज. ओके, सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप किसी भी बुक जैसे कि आर एस अग्रवाल बुक है और देर आर सो मैनी ऑनलाइन रिसोर्सेज देयर, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट. एंड फॉर जनरल स्टडीज आपको करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा खासा, मतलब जो एग्जाम के टाइम में जो भी करंट में इंडिया में और जो भी स्पेशल चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो फॉर दैट यू कैन रीड न्यूज़पेपर डेली ऑन द डेली बेसिस. उसके बाद वर्बल एबिलिटी आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं. ओके, और जो टेक्निकल पार्ट होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, उसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है विदाउट निगेटिव मार्किंग. सो टोटल पेपर जो होता है 200 मार्क्स का होता है.
पार्ट वन प्लस पार्ट टू. सो टेक्निकल के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. यदि आपने गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर की है प्रिपेरेशन, सो आप आसानी से वो पेपर उसमें अच्छा मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं. सो दिस वॉज द पैटर्न. और आफ्टर दैट इफ यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू देन दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू एंड देन यू विल हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली देयर. ओके, सो व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स? सो मेरी जो एडवाइस है मैं यही कहूँगा कि आप अपने मतलब खुद पे आपको फेथ होना चाहिए. आपको कंसिस्टेंसी मैटर बहुत कंसिस्टेंसी मैटर करती है इस एग्जामिनेशन में. सो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है तो आपको एक कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ाई करना है. और मतलब आपको कभी भी अपने स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन पर डाउट नहीं करना चाहिए. ईजिली आप अंडर 100 रैंक ला सकते हैं इस एग्जामिनेशन में. और ऑल्सो CIL में भी और किसी भी महारत्न PSUs में आप सिलेक्ट हो सकते हैं यदि आप ये फॉलो करते हैं पूरा स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट वे में. सो यू कैन क्लियर. सो फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स यू हैव बीन एसोसिएटेड विद गेट लेक्चर्स. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद गेट लेक्चर्स? गेट लेक्चर्स से मुझे काफ़ी कुछ बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला. मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड था हिमांशु सर जो कि गेट लेक्चर्स के फाउंडर हैं. सो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा. टीम बहुत ही डेडिकेटेड है यहाँ पे, हार्ड वर्किंग टीम है. सो और उन्होंने जो मतलब इतना अच्छा वो फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए इतना ग्रेट वर्क कर रहे हैं तो वो मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्चुअली. सो एनी लास्ट वर्ड्स अबाउट gatelectures.com और टेस्टिमोनियल्स? यस, एक्चुअली जो gatelectures.com इतना मतलब अच्छे से कोर्स कंटेंट कॉम्प्रिहेंड कर रहा है कि स्टूडेंट्स को अदर से कुछ ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब यहाँ पे टीम जो है फोकस्ड है, हार्ड वर्किंग है. उनका कोर्स कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर एग्जाम, वेदर इज इट इज़ गेट और UGC नेट और PSU ISRO. सो वो टोटली फोकस्ड है फॉर दैट एग्जामिनेशन. ओके, सो स्टडी मटेरियल्स बहुत अच्छा है. वीडियो सॉल्यूशंस की क्वालिटी और कंटेंट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे. तो यस, इट वॉज ग्रेट एक्चुअली. इट्स ग्रेट. And it was really a pleasure you being here at part of the team, and we love you and really miss you and all the best for your future. Thank you, ma'am. Thank you.